ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल की अनोखी पहल के तहत विकासखंड पिपरौली अंतर्गत बेलीपार थाना क्षेत्र के जंगल दीर्घन सिंह ग्राम पंचायत में प्रवासी मजदूरों और ग्रामवासियों को मोबाइल ओपीडी के जरिए स्वास्थ्य की सुविधा दी गई, जिसके तहत जंगल दीर्घन सिंह ग्राम पंचायत में प्रवासी मजदूरों और ग्रामवासियों में जागरूकता शिविर कोविड-19 का आयोजन किया गया। इस दौरान मोबाइल ओपीडी के जरिए डॉक्टरों की टीम के द्वारा ग्राम वासियों का स्वास्थ्य परीक्षण करके आवश्यक दवाएं दी गईं तथा कोरोना काल में स्वास्थ्य जागरूकता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। वहीं इस संबंध में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा पंजीकरण प्रवासी कामगार श्रमिकों का पंजीकरण कर उनके स्किल का चयन कर मैपिंग की भी कार्रवाई की जा रही है। प्रवासी मजदूर जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे उनकी सूची तैयार कर प्राथमिकता के साथ राशन कार्ड बनवाने का काम किया जा रहा है। मनरेगा में प्रवासी मजदूरों को काम दिया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों का डाटा फीडिंग का कार्य करने के साथ स्वास्थ्य किट भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत जंगल दीधन सिंह के ग्राम प्रधान विवेक सिंह द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की सराहना भी की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, दो तीन बातों पर लेकर जागरूक किया। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि सप्लाई विभाग और श्रम विभाग दोनों विभाग के अधिकारीगण भी यहां पे आ रहे हैं। सप्लाई विभाग मतलब कि जिनको राशन, जो मैं अभी भी बताया हूं, जो प्रवासी भाई बाहर रहते हैं, जिसको राशन नहीं मिलता, जो प्रवासी भाई राशन जिनको नहीं मिल पा रहा है उनको 3 महीने के लिए और अस्थाई कार्ड की व्यवस्था बनी है। देखिए, जिन लोगों ने मुंडी ढक रखा है, मास्क नहीं लगा रखा है, गमछा वो लगा लें। आप ना, आप लोगों से निवेदन है, सब लोग तो अपना मुंह ढके रहे। देखिए, जिन जगहों से आप आए हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे सूरत हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे बेंगलोर हो, गुजरात हो, आपको पता है कि इस कोरोना के चलते ऐसी जगह खासतौर पर जहाँ से आप आए हैं वो एक संक्रमण का अड्डा बन चुके हैं, बहुत बड़ा सोर्स है। अगर हम गोरखपुर की बात करें, हमारे गोरखपुर जनपद में, तो जितने भी केस अभी तक हमें पॉजिटिव मिले हैं, उस व्यक्ति को कोई भी लक्षण नहीं है। जैसे हम बताते हैं कि किसी को गले में दर्द हुआ, किसी की खांसी जुकाम हुआ, किसी को बुखार आया, ऐसा कोई भी लक्षण नहीं है, लेकिन उसकी जाँच कराई गई तो वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के साथ साथ ये भी है कि ऐसे व्यक्ति सही भी बहुत जल्दी हो रहे हैं। घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है किसी को। अगर जैसे तैसे अगर वायरस आ भी गया तो ऐसा नहीं है कि वायरस आ गया तो इसका कोई वो नहीं है। बहुत हमारे मैक्सिमम केसेस हमारे इसमें रिकवर हो गए हैं, मैक्सिमम केसेस सही हो गए हैं। लेकिन एक चीज बताऊंगा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसमें कोई लक्षण नहीं है, कोई भी उसको खांसी जुकाम बुखार जो भी इसके लक्षण है वो उनमें से नहीं है, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव आ रहा है, वो तो सही हो जाएगा। लेकिन उसके चलते अगर वो किसी व्यक्ति से टच हो गया, किसी व्यक्ति के संपर्क में आ गया, तो उसके चलते वायरस को कई जगहों पर फैला सकता है, कई लोगों को दे सकता है। और हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक क्षमता होती है इससे लड़ने की, कि किस तरीके से उससे लड़ा जाए। तो जो व्यक्ति खासतौर पर जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन लोगों पर इस तरीके इसके वायरस का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब आपको ये करना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस तरह की महामारी विश्व में पहली बार हुई है, पूरे विश्व में इसका होता है, और जहां से आप आए हैं उसके बारे में तो आपको पता ही है किस तरीके से वहां पे काम चल रहा है, किस तरीके से वहां पे हो रहा है, किस तरीके से वायरस ये फैल रहा है। अब चूंकि आपका गांव है और आपकी जिम्मेदारी बनती है मैं आपको बताता हूँ। एक गांव की मैं कहानी सुनाता हूँ, पिपराइच में मैं गया था एक गांव में। वो बाहर से व्यक्ति आए और एक व्यक्ति केवल शेष रह गया, एक व्यक्ति ने उस गांव के 8 लोगों को
वायरस फैला दिया और अभी भी उस गांव में कई लोगों का सैंपल हुआ है, तो हो सकता है वो संख्या ज्यादा हो। आप अगर स्वस्थ हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर हम लोगों में से कोई एक भी व्यक्ति अगर ऐसा रह गया तो उसके पूरे चांसेस है कि वो वायरस पूरे गांव में फैल सकता है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी आपकी भी है और आप सब लोगों की है। मतलब ऐसा नहीं समझना कि मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक है, काम चल जाएगा। नहीं, आपके गांव में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो कि बाहर से आया है, जब तक कि 20-21 दिन नहीं हो जाते तब तक वो घर से बाहर ना निकले। 21 दिन तक ये केवल उसके लिए नहीं बल्कि उसके परिवार के लिए और पूरे गांव के लिए जरूरी है। इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति अगर ऐसा रह गया, एक ही व्यक्ति घुल मिल गया बगैर वो बताए बगैर वो किए, तो आपका सारा का सारा जो मेहनत है वो पानी हो जाएगा। और एक बार कोई व्यक्ति पॉजिटिव निकल जाता है तो गांव में 21 दिन का कर्फ्यू लग जाता है। 21 दिन तक सारी वो हो जाती है, सारी चीजें बंद हो जाती है। तो देखिए, हमें बस इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमने देखा है कि जिन लोगों ने सावधानियां बरती हैं, जिन लोगों ने दिशा निर्देशों का पालन किया है, ऐसे गांव में कभी कुछ नहीं होगा, नहीं कभी कुछ होगा। बस हमें छोटी 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 चीजें, जैसे अभी मुंह में मास्क लगाया, जब भी आप घर से बाहर निकले हमेशा ढके रहें। ढके क्या रहेगा, ना तो आप दूसरे को फैलाएंगे ना कोई आपको फैलाएगा। अगर एक व्यक्ति ने भी थोड़ा नीचे कर लिया तो किसी भी फैला सकता है। आपने अगर मास्क लगाया अच्छी बात है, अगर सामने वाले ने भी नहीं लगाया तो उसको आप कहिए कि भैया आप मास्क लगा लो। आप जब ये मान के चलो कि जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है उसको मानो कि पॉजिटिव है, भले ही पॉजिटिव ना हो, उसको मान के चलो कि जो भी बाहर से आ रहा है वो पॉजिटिव व्यक्ति है, और उसी तरीके से आप सुरक्षा इंतजाम करो, थोड़ा दूर से बात करो, मुंह पे मास्क लगा के रखो, और जब भी आप ऐसे कहीं टच करते हैं हाथ तो हाथ धोते रहो। बस हाथ धोना है और मुंह पे मास्क लगाना है, बस दो चीजें करनी है और थोड़ा सा दूरी से बात करनी है। तो आप खुद भी मास्क लगाए और दूसरे व्यक्ति जो आपके सामने है अगर उसने नहीं लगा रखा उसको भी बोले। ये केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरे गाँव के लिए, पूरे आसपास के जो लोग हैं उसके लिए। एक व्यक्ति भी अगर छूट गया समस्या हो जाए, और इधर उधर ना थूकें, देखते जनरली इधर कोई थूक दिया इधर थूक दिया, थूकना बिल्कुल नहीं है। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाएं, जब भी आप किसी से बात करें मास्क लगा के बात करें, और जब भी कोई सामने वाले व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना तो उसको प्रेरित करें कि भाई मास्क लगाओ, क्योंकि इस तरीके से ही हम इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। इसकी कोई दवाई नहीं है, अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं बनी है। जिसको हो जाएगा तो बस वो नॉर्मल सही होता है, बस इसकी कोई दवाई कुछ नहीं है। अगर हो गया दिक्कत हो जाती है। खासतौर पर हमारे जितने बुजुर्ग हैं वो अनावश्यक तौर पर घर से बाहर नहीं निकले, जब भी निकले मुंह पर ढके रखें। और जिनको पहले से कोई बीमारी चली आ रही है, जो पहले से मान लो कोई भी किसी भी दवाई का हो, किसी कोई भी बीमारी की दवाई ले रहा है, ऐसे व्यक्तियों पर भी खतरा बना रहता है। अच्छा ये बताओ, आप सब लोगों के कितने लोगों को राशन किट मिल गया है? इसमें नहीं मिला, ये बताओ कितने लोगों को राशन किट नहीं मिला? अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ये सब शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उन सबका आपको लाभ मिलेगा, बशर्ते आप इस गांव को स्वस्थ रखने में आप अपना सहयोग करें। नेगेटिव हो गए और एक भी ये नहीं बचा होता, तो कभी कभी चीजें अगर किसी को आ भी गया तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। आप मास्क लगा रहे नहीं, आप अपने लिए लगाइए, आप अपने परिवार के लिए लगाइए, शायद ऐसे नहीं आएगा। और जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है, जो भी व्यक्ति आपके गांव में बाहर से आ रहा है उसके बारे में तुरंत सूचना दें। और कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आ रहा है तो बगैर वो 20-21 दिन रहे गाँव अपने होम क्वारंटाइन, वो बाहर ना आए, तो ये चीजें होंगी। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है, सभी लोगों का। मास्क जरूर लगा के रखें, हाथों को बार बार धोते रहें और डिस्टेंस बना के रखें। हम रहे या ना रहे, आपको कोई देखने वाला रहे या ना रहे, खुद से करना है। और घर में अपने बुजुर्ग बच्चे गर्भवती महिला इनको थोड़ा विशेषकर ध्यान रखें। कन्हैयालाल रमाकांत श्री कांतिलो आ जाइए।
और सब लोग लाइन से बैठे रहिए आप लोग कोई भी शेष न रहे जो भी बाहर से आ रहे हैं सबकी घरों में जाए एक तो आपको क्या सबको पता है कि राशन कितना मिलना है अकाउंट नंबर लिखना है पैसा जाए सब लोग बताएंगे अपने कोई यदि उसके बारे में तुरंत पूछना है और लोगों को कहते रहे मास्क लगाना है बगैर मास्क के निकले ना कोई घर से बाहर महिलाओं को बताते रहे घर पर जाके मास्क लगवाइए हाथ धोते रहिए जो बुजुर्ग महिलाएं हैं गर्भवती महिलाएं हैं निकलेंगा देखो अगर आप लोग सही तरीके से बता देंगे गाँव में तो जाएगी जहाँ जहाँ पॉजिटिव केस आए हैं और जहाँ जहाँ फैला है उस सब के पीछे हमारी निगरानी समिति हमारी आशा ए एन एम आंगनबाड़ी बहन है उनका सही ना होना बहुत बड़ा कारण है जिस गाँव में ठीक है मास्क लगा के रखिए ठीक है हाथ धोते रहिए और दूरी बना के रखना है करवा लीजिए इनका नंबर ले लीजिए उनका डॉक्यूमेंट भी वो बता दीजिए कि कैसे देना है पूरा नंबर यहाँ पर दे दिया मेरा सारा रोजगार सर इनका एक निवाली ये बता रहे हैं कि 90 दिन का यहाँ उत्तर प्रदेश में वर्क किए हों सब अधिकतम तो सब आए हैं दूसरे प्रदेश से आए हैं और उसके फोकस भी किया जा रहा है प्रवासी भी को माना जा रहा है जो सिस्टम है उसमें ये है कि 90 दिन यूपी में काम किए हों अच्छा ये कॉन्ट्रेडिक्ट हो जा रहा है ये देखिए डीएम सर के निर्देश के अनुसार हर गांव में हमने एक मोबाइल ओपीडी का शुभारंभ किया है इसके तहत जो भी गांव के लोग हैं जो भी प्रवासी बाहर से आए हैं और कोई भी अन्य व्यक्ति अगर अपने चिकित्सकीय परामर्श ले सकते हैं दवाइयां ले सकते हैं और जांच करवा सकते हैं आइडिया ये है इसके पीछे की जो सीएससी पीएससी पे अभी जो हमारी ओपीडी बंद है वो क्योंकि अब जब सीएससी पीएससी खुलती है ओपीडी में भीड़ बहुत रहती है तो हमारी सीएससी पीएससी पे लोग ना जाएं बल्कि हम लोग डॉक्टर लोग ही यहाँ पे आ रहे हैं तो इसकी वजह से गांव में जितने भी लोग हैं जो जिसको थोड़ी बहुत बीमारी है कुछ किसी कोई बुखार से पीड़ित है कोई खांसी जुकाम है किसी को उन सबको जांच करा कर आवश्यक दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं इसके साथ ही साथ और भी विभाग हैं जैसे पूर्ति विभाग है उसमें अभी हो सकता है कई सारे लोग हैं जैसे अभी 19 लोग थे यहाँ पे जो पात्र थे लेकिन राशन कार्ड से वंचित थे तो सबका राशन कार्ड बन गया इसके अलावा राजस्व के जो विवाद हैं हमारे खासकर धारा 24 है पैमाइश का है चक मार्ग का है तालाब का है और भी भूमि विवाद हैं सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर पर जो भी अतिक्रमण है उन सबको भी हमने यहाँ पर संतृप्त कर दिया है कोई भी व्यक्ति इस तरीके के राजस्व के जो विवाद हैं वो ना रहें गांव में हम जाके उसको एंड कर दें ताकि भूमि विवाद ना हो और भूमि विवाद से पैदा उत्पन्न होने वाली कोई भी कानून व्यवस्था स्थिति उसको हम नियंत्रण में रखें तो ये हम प्रोएक्टिवली तरीके से हर गांव-गांव जाके ऐसे हर विवाद हर समस्या को गाँव में ही निपटान कर रहे हैं इसके अलावा जो प्रवासी श्रमिक बाहर से आए उनके लिए श्रम विभाग को भी हमने लगाया है ताकि उनका पंजीकरण यहाँ पर हो जाए और उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जाए इसके अलावा मनरेगा के तहत जो भी मजदूर बाहर से आए उनको रोज़गार मिले जो कि शासन की मंशा भी है कि हर व्यक्ति हर प्रवासी जो बाहर से आया है उसको हम रोज़गार गांव में ही उपलब्ध कराएं तो इसी संदर्भ में इस तरीके के कैंप तहसील सदर द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें हर विभागों को ले के साथ लेके और मोबाइल ओपीडी के द्वारा न केवल स्वास्थ्य परीक्षण और उनको दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं बल्कि गाँव के अन्य शासन की जितनी भी लाभार्थी परक योजनाएँ हैं उन सभी योजनाओं से इस गाँव को संतृप्त कर रहे हैं अब चूँकि यहाँ के प्रधान जंगल दीर्घन सिंह के जो प्रधान हैं काफ़ी एक्टिव हैं तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे तो हमारा उद्देश्य यही है कि गाँव को जिस जिस गाँव में हम कैंप लगाएं उस गाँव में हम कम्प्लीटली उसको संतृप्त कर दें जितनी भी शासन की योजनाएं हैं और साथ के साथ जो प्रवासी श्रमिक बाहर से आए हैं उन लोगों के भी हम पूल टेस्टिंग कराएं ताकि संक्रमण की कोई भी संभावना हो उसको हम ख़त्म कर सकें समाप्त कर सकें